नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम देवेंद्र है। और मेरा नाम विश्वजीत है, हम ओडिशा से हैं। गहरे समुद्र के हम अपने आप को जेम्स बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि इस एरिया में हम अपने अत्याधुनिक एडवांस्ड अंडरवाटर रोबोट्स को भेज के इंस्पेक्शन करते हैं, सर्विलेंस करते हैं और उसका हाई एंड टेक्निकल डाटा आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। शार्क्स, आप कभी कभार न्यूज़ में तो देखते ही होंगे कि कभी कोई ब्रिज फेलियर होने की वजह से या डैम्स कोलैप्स होने की वजह से कई जाने भी चली जाती है। गवर्नमेंट के नियम के अनुसार कोई भी स्ट्रक्चर जैसे डैम हो या रिवर ब्रिजेस हो, उसके इंस्पेक्शन साल में मिनिमम 2 बार करना ही करना है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कमी की वजह से ये काम समय पर नहीं की जा सकती। इसके वजह से हम लाए हैं अपना अनमैन्ड अंडरवाटर रोबोट। ये है जलदूत और वो है जलसिम्हा। तो ये हमारा सर्विस क्लास रोबोट है। वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम इंडियन नेवी के लिए बनाए हैं, जिसके ज़रिए हम इंस्पेक्शन करके टाइमली स्ट्रक्चर्स के मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हैं। और अभी इंडिया में देखें तो हमारे पास अराउंड 5,000 से ज़्यादा मेजर डैम्स है, 135,000 रिवर ब्रिजेस है, 150,000 रेलवे ब्रिजेस है एंड डॉकयार्ड्स है। और हम यहाँ पे ओनली मार्केट साइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो अगर ये एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उसको प्रिवेंट कर पाएं तो जितने अनगिनत लाइफ्स हम सेव कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और हमारा आस्क है 80 लाख अगेंस्ट 1% इक्विटी। वंदे उत्कल जननी। यस, वंदे उत्कल जननी। आप लोग उड़ीसा से हैं और समुद्री तट से हम सबका नाता रहता है उड़ीसा में, आसपास में रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डैम हीराकूड डैम उड़ीसा में है, तो मेरा मानना है कि वो सही राज्य है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए जो इसके ऊपर काम करें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आता है, पर आप लोगों का रिश्ता इस प्रॉब्लम से कैसे जुड़ा? इसका स्टोरी डेट्स बैक टू 2014, जब हम सेकेंड ईयर के एंड में थे। तब NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैंडेट के तरफ से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस कि आप लोग इस चैलेंज में कुछ ऑटोनोमस, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं दिस इज रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, जिसको हम फुली ऑटोनोमस बनाने का उस टाइम में प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया था। तब हम सेकंड ईयर के एंड में थे, तो हम उत्तर पड़े इसमें करने के लिए। कहां पढ़ाई करते थे आप? NIT राउरकेला। आप दोनों NIT राउरकेला से हैं? तो आप क्लासमेट्स हैं? क्लासमेट्स हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद से ये जो अगले 2 साल में हम इंडिया के फर्स्ट, वी रैंक्ड फर्स्ट इन दिस नेशनवाइड कॉम्पिटिशंस। कौन से कॉम्पिटिशंस थे ये? NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के जो कॉम्पिटिशंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, SAVE, स्टूडेंट्स ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल चैलेंज। वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद हमको ऑफर आया कि आप लोग एक इंटरनेशनली एक कॉम्पिटिशन होता है जो सिंगापुर में होता है, जहाँ पे हमने कॉलेज में रहते हैं तो बजट का लिमिटेशंस रहता है, ये रहता है, वो रहता है, काफ़ी कॉन्स्टेंट्स रहते हैं। इंडिया को जुगाड़ भी बोला जाता है, जैसे चंद्रयान भी काफ़ी कम खर्चे में बना के वी शॉक द वर्ल्ड, तो वैसे ही हमने भी काफ़ी कम खर्चे में करके इसको लिए थे और हम वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकेंड आए। अरे वाह। तो वहीं पे हमको काफ़ी एक्सपोजर मिला कि दिस इज अ वेरी लीस्ट एक्सप्लोर्ड डोमेन, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट काफी ह्यूज है। प्रोडक्ट आके देख सकते हैं, थोड़ा समझा सकते हैं? देख लीजिए। उससे पहले 2 मिनट में इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये भी बताइएगा कि किस चीज की रिसर्च करता है ये? पानी के अंदर के जो रिसर्च होते हैं कि डैम्स का कंडीशन कैसा है, पानी के ऊपर का सब कुछ कंडीशन मालूम पड़ जाता है, लेकिन पानी के नीचे का जो कंडीशन है दैट इज ट्रेमेंडस। 60-70 किलोमीटर के स्पीड में अगर पानी हमेशा टकराया जाएगा, साल भर टकराया जाता है, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर तो टूटेगा वहीं से ही। तो वो सबको इंस्पेक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं, तो डाइवर्स को हम लगाते हैं, जिसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। डाइवर्स का भी लिमिटेशन होता है कि एक डेप्थ के बियॉन्ड वो जा नहीं सकते, और डेफिनेटली वो जो डाटा कैप्चर करते हैं बहुत इनएक्यूरेट रहता है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल रखेंगे या कैमरा को स्टेबल रखेंगे? आई मीन ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर नॉट टेक्निकल पीपल। उसके बाद इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है ज्यादा रहता है, टाइम ज्यादा रहता है, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से स्ट्रक्चर्स को इंस्पेक्शन करने में काफी लेट हो जाता है। यही रोबोट को लेके हम ओडिशा के जो सबसे डीपेस्ट, रितेश कैन रिलेट, जो सबसे डीपेस्ट और ट्रेचरस वाटर्स है, दैट इज महानदी रिवर, अच्छा, वहां पे जाके हमने इंस्पेक्शन किया है, जहाँ पे सोच सकते हैं कि ये 8 मंजिल नीचे गया था। दैट वॉज द डीपेस्ट पॉइंट वी मेजर्ड। बाहर के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं हम देख लेते हैं तो पता चल जाता है यहाँ पे क्रैक दिख रहा है, यहाँ पे वो डिफेक्ट दिख रहा है। पानी के अंदर में मैरिन ग्रोथ रहता है, तो मैरिन ग्रोथ को जब तक क्लियर नहीं करते तब तक हमको डेटा एक्यूरेटली मिल नहीं पाता है। सो दिस रोबोट कैन गो, वो साफ करता है, उसके बाद
इंस्पेक्शन रोबोट ही साफ कर देता है, रोबोट ही साफ कर देता है। ये कहा कि महानदी की है? ये महानदी का है। ठीक है, क्या हो रहा है बताइए। तो ये ब्रिज का इंस्पेक्शन करना था, हमने रोबोट को डिप्लॉय किया। तो दिस इज एन एनिमेशन जहाँ पे वो बताता है कैसे वो सोनार जहाँ पे कुछ नहीं दिखता है वहाँ पे साउंड वेव्स अकाउस्टिक के कारण वो स्कैनिंग करता है और विजुअल हाई डेटा भी लेता है जिसको हम रियल टाइम बाहर देख सकते हैं। जो डेटा आता है वो काफ़ी एक्यूरेट आता है। इवन इसके रेस्पेक्टिव इंजीनियर्स आप देख सकते हैं कितना टर्बुलेंट पानी था। महानदी बाय द वे वन ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंट रिवर्स में से एक है, साइक्लोन उससे आते हैं। तो रियल टाइम एचडी विजन देते हैं जो कि पानी के अंदर में इज अ वेरी डिफिकल्ट टेक्निकली। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें ऑनबोर्ड काफ़ी सेंसर्स हैं जिसके वजह से अगर कुछ भी नहीं दिखता है तो भी हम डेटा रियली कैप्चर कर पाते हैं। डिज़ाइन इज़ वेरी कॉम्पैक्ट। ये जो रोबोट आपको दिख रहा है, ये रोबोट एक इंसान जो कि 60 केजीज का है उसको उठा के भी ये कैरी कर चुका है। दिस रोबोट कैन ऑल्सो कम इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग, हमको जो काफ़ी अभी अप्रिसिएशन मिला है फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इज आवर रिपोर्टिंग। हम जो रिपोर्ट देते हैं, हमारा बैकग्राउंड रिसर्च रहा है, स्ट्रक्चरल एनालिटिक्स ही रहा है। तो जो रिसर्च हम देते हैं दैट इज प्रिडिक्ट, उसमें प्रिडिक्शन रहता है अभी अगर कंडीशन ये है तो आगे क्या चलेगा। ये इंडिया का पहला है क्या? इंडिया का पहला नहीं, हमारे यहाँ पे और दो भी कॉम्पिटिटर्स हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट के जरिए हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी में कुछ नया रेवोल्यूशन जरूर लाए हैं। बट आपसे पहले हो रहा था बेसिकली? जी जी, हमारे पहले ऐसा नहीं है, आपने इसमें बेटर करा होगा। इसमें बेटर किया है, कैटेगरी नहीं है, ओशन एक्सप्लोरेशन कैटेगरी नहीं, कैटेगरी में आपने थोड़ा इनोवेट किया है। तो देवेंद्र विश्वजीत ये बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है जलदत्त और जलसीमा में? आके देख सकते हैं? हाँ। चलो दिखा दीजिए, आते जाते दिखा देना। ये हमारे सर्विस क्लास रोबोट है जहाँ से हम सर्विसेज करते हैं। वो जो जलसीमा है वो स्पेशली इंडियन नेवी के लिए बनाया है, वो ज्यादा रोबोस्ट है। हम अभी अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे पानी के अंदर, उससे पहले मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें ऑनबोर्ड एलईडी लैंप्स हैं, यहाँ से देख सकते हैं एक टेदर कनेक्टेड है, एक वायर कनेक्टेड है। वो वायर कनेक्शन से हमारे लैपटॉप को डायरेक्ट फीड जाता है। अच्छा, हाँ, तो जितना भी नीचे जाए तार साथ जाती है, तार साथ जाती है। बट आप वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज करते जो चंद्रयान वगैरह में यूज होती है, वैसे कि तार की जरूरत ही ना हो सीधा? नहीं, तार बिना तार के हम जो कॉम्पिटिशन जीते थे वो बिना तार के जीते थे। लेकिन बात है कि अंडर वाटर एक ऐसा सीनारियो है जहाँ पे जहाँ जीपीएस काम करता है ना, वाईफाई काम करता है ना, आईआर काम करता है, लीडार लाइडार भी काम नहीं करता है। लाइडर के अभी कुछ नए वर्जन आ रहे हैं लेकिन दैट वाज कॉल्ड सोनार्स। अभी आप ऑटो वाला डेमो कर लीजिए, आप प्लीज सीट ले लीजिए। स्लैश होगा, हम शार्क टैंक में आए हैं, ये शार्क से ही लग रहे हैं। कितने का बनता है एक डिवाइस? तो ये जो है इसका एक का कॉस्ट आएगा 50 लाख और वो जो है उसके कॉस्ट हाई एंड पे है 2 करोड़ आसपास आएंगे। वाओ वाओ, 2 करोड़? तो जलदत्ता को भेज दीजिए, ध्यान से भाई 50 लाख है। उन्होंने खुद ही 2 करोड़ वाला नहीं दिया। हाँ। ये नीचे जाके ये अपने आप फ्लोट कर लेगा। इसका बायंसी बाय डिफॉल्ट स्लाइटली पॉजिटिव रहता है कि अगर कुछ अनहोनी हो जाते हैं अंदर ऑटोमेटिकली फ्लोट करेगा। अभी ये हाँ। नीचे जा रहा है एक्सप्लोरेशन करने जा रहा है। जी जी, मैं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो नीचे भेज रहे हैं। जी, अरे आगे पीछे भी मूव होता है, खाली वर्टिकली ऊपर नीचे सब मूव होता है, 6 degrees ऑफ फ्रीडम। जब ये जाता है तो ये क्या क्या आमतौर से इन्फॉर्मेशन बताता है? अभी तो बता नहीं सकता। हाँ, कुछ ये हमको लाइव विजुअल देता है, लाइव डेटा देता है और रियल टाइम 3D मैपिंग करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमको डायमेंशंस मालूम नहीं पड़ते हैं। हाँ। मेरे को डैम वाले बोलते हैं, हमने 50 साल पहले जो डैम बनाया था वो इतना चौड़ा था, अभी फूल गया क्या, थोड़ा देखिए अभी टेढ़ा हो गया क्या, तो वो कंपेरिजन भी हम रियल टाइम कर लेते हैं जो कि पानी के अंदर होना मुश्किल है। आप टर्न कराएंगे? Wow. ये और भी स्पीड में हो जाएगा। अच्छा, अब आपका समझ गया, प्रोडक्ट समझ गया, एप्लीकेशन समझ गया। अब आप थोड़ा बिजनेस बता दीजिए, क्या रेवेन्यू है, क्या मॉडल है, ये वैल्यूएशन कैसे आई, अभी क्या सोच रहे हैं आप इसमें? तो हमारा रेवेन्यू अगर अप्रैल से देखा जाए तो अब तक हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू है 1.28 करोड़। और ये प्लीज लेट मी मेंशन दैट ये हमारे काफी इनएक्टिव होने के बावजूद के रेवेन्यू है। वो उसका मतलब क्या है? 2 मशीन 1 मशीन जितना ना? We don't sell the machines. अच्छा, वो बता दीजिए फिर मॉडल। हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हम कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो या फिर इंडस्ट्री हो उसमें हम मतलब स्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन करते हैं, डेटा सबमिट करते हैं, तो वो बिजनेस मॉडल है। नहीं, आपका क्या कैसे चार्ज करते हैं आप? एक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एक मीडियम ब्रिज अगर होता है, हाँ, तो उसका सपोज हम इंस्पेक्शन 5 से 7 दिन के अंदर कर लेते हैं,
उसके लिए हम चार्ज करते हैं 10 से 12 लाख। तो इसमें प्राइसिंग डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, 3 टाइप्स के रहते हैं। एक है बेसिक प्राइसिंग, दूसरा है मीडियम, तीसरा है एडवांस प्राइसिंग। तो ये जो मैंने बताया वो है बेसिक प्राइसिंग। एडवांस प्राइसिंग मतलब अगर वो थोड़ा और ज़्यादा डेटा चाहते हैं, एडवांस मतलब वो एनालिटिक्स चाहते हैं कि प्रिडिक्शन चाहते हैं, थोड़े हाई ग्रेड सेंसर्स के माध्यम से और थोड़ा ज़्यादा डेटा चाहते हैं। और बेसिक प्राइसिंग मतलब ओनली विजुअल कवरेज, फ्यू डेटा, फ्यू मेजरमेंट्स। और आपको मैन पावर वहाँ भेजनी पड़ती है डिप्लॉयमेंट एंड ये सब के? एक रोबोट के साथ 4 से 6 इज अ मैन पावर जो आप प्रोवाइड करते हैं जी। आपके पास अभी आपने कैपेक्स किया होगा रोबोट करने के लिए, उसको फंड कैसे किया, कितने सच प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? तो पहली बात है जो जलदूत है हाँ। उसके 3 हैं हमारे पास। 3 हैं। हमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से अराउंड 2 CR का ग्रांट मिला है। अच्छा, वेरी गुड। एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऑलरेडी हैं, तो आपकी मेन USP क्या होगी? हमारा जो रिपोर्टिंग है और जो हमारे रोबोट का जो स्टेबिलिटी है, जिसके कारण जितने ऑनबोर्ड सेंसर्स है उसके डेटा के एक्यूरेसी काफी बढ़ जाते हैं। अभी अगले साल आप क्या रेवेन्यू प्रोजेक्ट करेंगे? वी आर एक्सपेक्टिंग कि 40 से 50 गुना, नॉट 40 गुना, 50 गुना हो जाएगा। 50 करोड़, 50 करोड़ आप रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल? जी, 24 दिसंबर कंप्लीट होने से पहले। कमाल है। प्रॉफिट कितना होगा 50 करोड़, 60 करोड़ की सेल में? हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 45% प्रॉफिट मार्जिन, 30 करोड़ मान लेते हैं। तो अब अगर अभी मैं आपको 5-6 करोड़ रुपए दे दूं तो अगले साल आप 50 करोड़ का रेवेन्यू तो कर ही देंगे, जिसमें से 25 करोड़ प्रॉफिट आएगा, राइट? तो आप मेरे से क्यों लेंगे, आप डेट ले लो जाके बैंक से। मैं सच बोल रहा हूँ, 5 और 4 कोई आपकी मदद नहीं कर सकते आपको पैसे देने के सिवाय। क्या कर लेगा शार्क? डेफिनेटली आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम आए हैं, तो आप अपने फील्ड्स में यू आर वेरी रिप्यूटेड, तो आपका हमारे कंपनी में होना डेफिनेटली यू ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एक्सपीरियंस, मे बी दैट। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, हम अगर और थोड़ा एक्टिव हो जाए, अपने बेस बढ़ा लें, टीम बढ़ा लें, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो चुका है, थोड़ा एक्सपेंशन चाहिए, तो ये हो जाता है कि हमने सक्सेस कर दिया, ये केओटिक सिचुएशन हो जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप लोगों का एक्सपीरियंस भी बहुत काम में आएगा। ठीक है, मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, अगर आपको यहाँ पे बेटर मिल जाती है तो आप वो ले लेना। ये क्या ऑफर है? तो मैं आपको ऑफर देती हूँ, अमेजिंग टेक्नोलॉजी, ग्रेट वर्क, बेस्ट इन इंडिया, हाईएस्ट पेलोड एट चीपेस्ट कॉस्ट, तो कुछ तो आपने किया है, तो मैं आपको ऑफर देती हूँ 80 लाख 1% जो आपने आस्क किया था, और उसके ऊपर एक रॉयल्टी ऑफ 1% ऑफ नेट रेवेन्यू जब तक मेरा 1.6 करोड़ वापस नहीं मिल जाता। अगर 50 करोड़ का रेवेन्यू करना है तो आपको 5-6 करोड़ रुपए चाहिए, चाहिए 10 मशीन बनाने के लिए, तो उसके लिए आपने बाहर अप्रोच किया किसी इन्वेस्टर को? अभी तक प्रिलिमिनरी स्टेज पे 1-2 जगह पे बात चली है, हमको इवन पूरा कंप्लीट सेल आउट का भी ऑफर आया है। कितना वैल्यूएशन पे? अराउंड 150 CR के करीब। तो आपने वो डिसीजन अभी नहीं लिया? हमने उसको डिले कर दिया है। हम बोले कि पहले हम यहां थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। आप यहां पे डील लोगे ही नहीं किसी के, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही जी, आप डील नहीं लोगे किसी के। हमको काफी खुशी होगी अगर आप में से कोई हमारे कम्स ऑन बोर्ड टू आवर टीम, इवन विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन द इनिशियल फेज। फ्यूचर का फ्यूचर है। आई डोंट थिंक 1 से 50 करोड़ का जंप इतनी आसानी से आता है। मेरे फादर खुद सरकार में रहे हैं, PSU क्लाइंट्स, बड़े कॉरपोरेट्स को कन्वर्ट करना ये एक लंबी साइकिल होती है, और मुझे लगता है अगर आप इन्वेस्टर कैपिटल लेंगे तो आपको उस पर रिटर्न भी दिखाना होगा, लोग रॉयल्टी डील भी मांगेंगे, आप पे प्रेशर आएगा ये सब करने का। ये एक लंबे सा, ये टेक बिजनेस है, इसमें लंबे समय का आपको खेल खेलना है। मैं इसमें कोई आपकी खास वैल्यू ऐड भी नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए एट दिस पॉइंट आई एम आउट। थैंक यू। आई टोटली अग्री विद राधिका। मुझे लगता है कि अभी आपको इस टाइप के बिजनेस में मैं बहुत ज्यादा मदद आपकी कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बाहर हूँ, बट कमेंडेबल, हैट्स ऑफ and looks amazing. Thank you. कमाल की इनोवेशन करी है, जैसे सबने बोला, मैं रिपीट नहीं कर रहा, बट कमाल की इनोवेशन करी है। मेरा और पानी का रिश्ता वैसे ही पुराना है, मैं खुद पाइसियन हूँ, मेरी कंपनी का नाम बोट है और मैं शार्क भी हूँ। That's good. That's a good one. पर यहाँ मेरा और आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा, इस पानी की डिवाइस का और मेरा रिश्ता नहीं बन पाएगा, और मैं भी आउट होऊंगा। आज भारत में हम एक यूनिक सिचुएशन में है, जहाँ पे ड्रोन की अभी एक रिसेंटली एक कंपनी पब्लिक गई है और आपने देखा हो कितनी सक्सेसफुल हुई है। ये सारी कंपनीज़ों, मुझे लगता है कि समय लगता है इनोवेशन के लिए, जो आपने 3 साल लगाया है
पर एक समय वो जेकब आता है, वो जेकब 1 से 50 का है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है जो आपका एम्बिशन है या आपका कन्विक्शन है कि वहां तक आप पहुंच जाएंगे, इस कारण से मैं चाहूंगा कि उड़ीसा से डिफेंस और इंफ्रा की बिजनेस और बढ़े। तो मेरा प्रपोजल आपसे ये है कि जो आपका ऑफर है 80 लाख 1% के लिए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। नो रॉयल्टी, खत्म हो गई ऑफर, ऑफर खत्म, ऑफर खत्म हो गई। गुड दैट यू आर सपोर्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम ओडिशा। डेफिनेटली बेटर ऑफर, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली बेटर ऑफर। तो माने डील पक्की? डील पक्की। चलो जी, ऑसम ऑसम, कांग्रेचुलेशंस। अभी महानदी के साथ गंगा और हर नदी में रिसर्च करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू।